दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी सलमान खान और प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल नंबर वन कंटेस्टेंट, यानी कि फर्स्ट कंटेस्टेंट आप कह सकते हो, बिग बॉस सीजन 15 के हो चुके हैं और कल इसका कहीं ना कहीं फैसला हो गया, जहां पे दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस ओटीटी जो पहला सीजन था उसकी ट्रॉफी जीती। इसके अलावा इस सीजन में से एक बंदे है जो कंफर्म हो चुके हैं बिग बॉस सीजन 15 के, वो है प्रतीक सहजपाल, और करण जौहर ने ये साफ कर दिया। और प्रतीक सहजपाल के पास ऑप्शन था, लेकिन प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस 15 में जाना मंजूर समझा। अब यहाँ पे प्रतीक सहजपाल के मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे, उनका रवैया बहुत ज्यादा सही अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअली सच बात आपको बताऊं, प्रतीक सहजपाल जैसा खेलते हैं वैसे ही लोगों को देखना पसंद करते हैं, और वैसे ही कंटेस्टेंट बिग बॉस जैसे शो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रतीक सहजपाल से मजाक में ही क्या हमारे केजीओ यानी करण जौहर ने पूछ लिया कि वहां पर तो यहाँ पे तो तुम्हारी नौटंकी तो भाई बर्दाश्त कर ली मैंने या जो भी कर लिया, वहां पे कैसे आप काम करोगे, वैसे वहां पे बिग बॉस सीजन 15 में कैसे करोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पे प्रतीक सहजपाल ने अपनी बढ़ाई करते हुए कहा, अरे मैं जंगल का शेर हूं ना, जैसे जंगल का शेर अकेले राज करता है या राजा होता है, तो वैसे मैं जंगल का शेर हूं। तो जैसे ही प्रतीक सहजपाल ने खुद को जंगल का शेर कहा, वैसे ही करण जौहर ने उनको इंटरप्ट किया, रोका तुरंत, बोला कि तुम जंगल के शेर खुद को समझ रहे हो ना, वहां पे टाइगर ऑलरेडी है सलमान खान, तो बच के रहना टाइगर से वरना हो जाएगी तो भाई खली बनी। तो इसका मतलब साफ है कि करण जौहर भी कहीं ना कहीं जानते अच्छे से कि इस शो को होस्ट कर पाना किसी बच्चे की बात नहीं है, इसके लिए टाइगर ही चाहिए यानी कि सलमान खान। और अब देखने वाली बात यह है कि प्रतीक सहजपाल जिन्होंने खुद को शेर कहा, उनका मुंह छोटा जब हो गया था करण जौहर ने जब रोका टोका तब, तो सोचिए सलमान खान जब उनकी क्लास लेंगे तो प्रतीक सहजपाल तो बोल ही नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज सर्टेनली गोइंग टू बी ए क्लासी थिंग टू वॉच, सलमान खान पुलिंग प्रतीक सहजपाल, मैं को पूरा यकीन है प्रतीक सहजपाल को नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले प्रतीक सहजपाल ने एक दो क्या बोलते हैं रियलिटी शोज किए हैं, इसमें से एस ऑफ स्पेस से वो एक्चुअली उभर कर काफी आगे आए थे। लेट्स सी क्या होता है बिग बॉस 15 में, उनका चिरन होता है या इज्जत होती है अलग बात है, बट स्टिल यहाँ पर करण जौहर ने उन्हें उनके औकात जरूर दिखा दी कि भैया खुद को शेर मानने से पहले ये मान ले कि सामने टाइगर है और टाइगर के आगे कोई नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि टाइगर किसी की नहीं सुनता है। चलिए फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लव यू ऑल, बाय बाय।